हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है दही और बेसन की बढ़िया सी खट्टी मीठी कढ़ी। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे दही बेसन की खट्टी मीठी कढ़ी, जिसके लिए मैंने ये एक कटोरी खट्टा दही और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है बेसन, और इस तरह से इसको मथ के घोल तैयार कर लिया है। ये है अदरक, बारीक कुटी हुई हरी मिर्च है, करी पत्ता है, ये है दालचीनी, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, इलायची, इसके अंदर है राई मेथी, जीरा सब मिला के 1 टीस्पून, और 4-5 दाने काली मिर्च, और 2-3 लौंग है। इसमें मसाले में सिर्फ हींग और नमक जाएगा। ये है 1 टेबल स्पून चीनी है, नमक जाएगा स्वादानुसार, और ये चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, पर चीनी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये मैंने तड़के के लिए कढ़ाई में रख दिया है तेल, और अब लगाएंगे तड़का। अपना तेल हो गया है गरम, सबसे पहले डालेंगे राई मेथी जीरा काली मिर्च लौंग, और ये खड़े मसाले भी इसी टाइम डाल देंगे, ताकि अपना मसाला, ये जो खड़े मसाले हैं, अच्छे से क्रैकल्स हो जाएं। बस मसाले को, ये खड़े मसाले हो गए क्रैकल्स, अब डाल देंगे मिर्ची और अदरक, और इसके जस्ट बाद डालेंगे करी पत्ता। इसको पहले एक बार अच्छे से कर देते हैं, और अदरक को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसके तुरंत बाद ही अपना ये दही और बेसन का घोल डाल देंगे, और ये हींग डाल देते हैं। ऊपर से डालने पर भी बढ़िया टेस्ट आता है, और अब इसको उबलने देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ताकि कढ़ी की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। और नमक, या तो अभी देखिए ये अपना तड़का ठंडा पड़ा है, तभी डाल देंगे, स्वादानुसार जाएगा नमक, और या तो फिर कढ़ी उबलने के बाद बीच में डालते हैं, तब कढ़ी फट जाती है। तो ये, और अब अपने इसको मिक्स करके आँच को कर देंगे, पहले तो कर देंगे फास्ट, और उसके बाद एक उबाल आने के बाद मीडियम आंच पे होने देते हैं। ये देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, अगर ये गाढ़ी लगे तो आप इसके अंदर अब जब डालें तो गर्म पानी डालें। ये देखिए अपनी कढ़ी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, और अब अपने गैस की आंच को कर देंगे स्लो, और इसके अंदर डाल देते हैं चीनी, और इसको और इसके अंदर 5-7 मिनट कुक होने देते हैं। या ऐसे बोला जाता है कि कढ़ी का 5-7 उभरा, यानी उबाल, 5-7 उबाल आ जाए तो समझो कढ़ी पक गई। तो बस इसको मीडियम आंच पे थोड़ा सा उबलने देते हैं। अब अपनी कढ़ी देखिए अच्छे से बॉईल आके रेडी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। और अभी ये थोड़ी देर पड़ी रहने के बाद थोड़ी सी और ठीक हो जाएगी, तो आपको जितना पसंद हो अपने हिसाब से गाढ़ी पतली रख सकते हैं। तो बस अब गैस की आंच को कर देते हैं बंद। तो अपनी कढ़ी पे गया बढ़िया सा फ्रेश धनिया। ये बेसन दही की खट्टी मीठी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। इसको आप खिचड़ी, चावल, किसी के भी साथ सर्व करें, और इसको हमारे घर में तो अरबी के पत्ते के पात्रा, या पितोड़, या विकवच, या सहरा, और ये खट्टी मीठी कढ़ी चावल और रोटी पसंद की जाती है, तो आज मैंने वही बनाया है, इसीलिए बनाई है खट्टी मीठी कढ़ी। बस एंजॉय करते हैं। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।